कॉलेज आने पर विचार चल रहा है, कैबिनेट की बैठक में भी इस पर आप लोग चर्चा करेंगे, किस तरह की तैयारी है और क्या मंथन है? विभाग तो तैयार है इसमें खोलने के लिए, देखिए, लेकिन चूँकि कैबिनेट की सहमति से, उनके फैसले से आपका तय हुआ था कि पालक की सहमति और 50% की उपस्थिति में स्कूल खोले जाएंगे, नगरीय क्षेत्र में जो पार्षद हैं उनकी सहमति लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की व्यवस्था रहेगी, उसके हिसाब खोले जाएंगे। लेकिन चूँकि कोरोना अब कम है तो ऐसी स्थिति में विचार कर सकते हैं कि पूरी क्षमता से स्कूल का संचालन हो, पर इसके लिए कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट का जो फैसला होगा उसके अनुसार से स्कूल का संचालन होगा। विभाग में जो तैयारी चल रही है तो क्या जब 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे तो कुछ अलग से भी स्कूलों को निर्देश दिए जाएंगे या पहले से जो व्यवस्था है? नहीं, पहले से व्यवस्था है वो भी रहेगा और कोविड जो 19 का गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए खोला जाएगा। अच्छा, जो धान खरीदी 30 स्ट्राइक किए हुए हैं तो कैसे काम होगा, कैसे फिर कलेक्शन होगा? नहीं, सहकारी समिति के माध्यम से ही धान खरीदी होगा, पहले भी होता रहा है और छत्तीसगढ़ में आपका MSP फिर धान खरीदी, फिर राजीव गांधी किसान न्याय के तहत उनकी अलग से आदान राशि दी जाती है। समिति के कुछ लोग स्ट्राइक में गए हैं, उनसे चर्चा हो रही है और उनका मांग यही है कि जो सुखत होता है, जो घाटा होता है वो ना हो, पर इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश भी दिया है और कई जगह बोला भी है उसमें प्रेस में कि समितियों की जो घाटा है उसको हम नहीं, उसको घाटा नहीं होने देंगे, इस बात के लिए उन्होंने कहा है। तो अब उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सोच है उसके अनुसार जो भी स्ट्राइक में है उनकी, तो मैं कहूँगी कुछ कालाप करें और धान खरीदी में जुट जाना चाहिए। नहीं बताएंगे।